नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में कई स्थानों पर हुआ विरोध प्रदर्शन, जलाए गए पाकिस्तानी पीएम के पुतले। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने यात्रियों को लूटने वाले दो ऑटो चालकों को किया गिरफ्तार। गम्हरिया पुलिस ने पुत्र की हत्या करने वाले पिता को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और जमशेदपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ फिटनेस फेयर, डीसी ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से 44 सीआरपीएफ के शहीद जवानों का बदला लेने की मांग कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने की है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में कुल 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं, जिससे पूरा देश आक्रोशित नजर आ रहा है। वहीं शहीद जवानों के कत्ल का बदला लेने की आवाज जमशेदपुर में भी गूंजी, जहां जुम्मे की नमाज के बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा बारी मस्जिद के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के जिलाध्यक्ष शाकिर खान एवं कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए शाकिर खान ने कहा कि कश्मीर के पुलवामा की घटना काफी दुखद है, जहां 44 सीआरपीएफ के जवान पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा शहीद कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से शहीद जवानों के खून का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर आतंकवादियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की मांग केंद्र सरकार से की है, जहां इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए फखरुद्दीन अंसारी ने कहा कि आजादी के बाद से दहशतगर्दों के द्वारा कश्मीर में खूनी खेल खेला जा रहा है, जो अब बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में हम केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़कर आतंकवाद खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कि इस तरह से घटना दोबारा नहीं हो। प्रधानमंत्री का आज जो ये 36 56 इंच का जो सीमा है, आज अपनी ताकत उन्होंने दिखाना चाहिए कि आज 2 दिन हो गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनसे नहीं होता है तो हम लोग करने के लिए तैयार है। आज जो है अभी जैसे पाकिस्तान में जिस तरह से आदमी ने शहीद किया है, 42 44 आदमी शहीद हुए हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि मोदी जी आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो हम लोग को आम आदमी लोगों को एक बताइए कि हम लोग जाकर जो है इस तरह से काम करेंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम होगा। हम इस सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमेशा जो आतंकी हमला, ये जो नौजवान जो शहीद हो रहे हैं हम लोग को हिंदुस्तान में, आखिर कब तक हम लोग इसकी निंदा करते रहेंगे? कब तक हम लोग हाथ में चूड़ी बन के बैठे रहेंगे? हम लोगों को एक मौका दे, हम लोग अब्दुल हमीद बन के दिखाएंगे। अगर अहिंसा कहल अहिंसा नहीं तो हिंसा ही सही। देश को हर हाल में बचाना है। आगे जुल्म का बाजार चलाने वाले, मजदूरों और मासूमों पर हथियार उठाने वाले, वक्त जिस दौर हवा का रुख बदलेगा रोएंगे मौत का व्यापार चलाने वाले। इधर जमशेदपुर में पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला होने के विरोध में विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा सामाजिक संगठनों ने पाक के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज करवाया, साथ ही केंद्र सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में भारत के 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं। इसके बाद से ही प्रत्येक देशवासी के भीतर आक्रोश व्याप्त है और देश भर में केवल बदले की आवाज उठ रही है। वहीं जिला भाजपा की तरफ से इसके खिलाफ शुक्रवार को साक्षी गुलचक्कर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। बता दें कि इस दौरान इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके द्वारा आतंकवादियों को शह दिए जाने के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही इन्होंने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि अब सीधी कार्रवाई पाकिस्तान पर करे और उसे नस्तानाबूद कर दे। मात्र 43 जवानों के परिवार के दिल पर नहीं,
बल्कि हर भारतवासी के दिल पर आज आतंकवाद का सीधा सीधा प्रहार हुआ है। और कोई भी भारतवासी जो भारत माता के प्रति अपना समर्पण रखता है, इस आतंकवाद को आज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। गोली की बातें बहुत हो गई, अब सीधे सीधे गोली की बात हो। हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि 1947 में जिस राष्ट्र का जिसका नाम पाक तो रखा गया है लेकिन उसकी सोच कुत्सित है, उसके ही गोद में आतंकवाद पलता है, आज उसका समूल नष्ट हो। और जिसका सीजन 1947 में हो, 2019 में इस पाकिस्तान का समूल नाश हो, सभी 43 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उधर मानगो आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित बारी मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। गुरुवार को कश्मीर में आतंकी कार्रवाई की घटना से शहरवासी मर्माहत है और इस कार्रवाई को कायरता बता रहे हैं। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। इधर मानगो आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित बारी मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज के बाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। बता दें कि संगठन के अध्यक्ष फिरोज खान ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुद का पुतला जलाया गया है। ये पुतला इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड प्रदेश और जमशेदपुर माइनॉरिटी के अध्यक्ष साकिर खान जी के नेतृत्व में जलाया गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से कि अब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 56 इंच का सीना सही में है, नरसंहार किया गया, धोखा से मारा गया, उसी तरीके से पुतला जो है आप पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस करके आप जाकर के जो है आप उनके सैनिक को मारने का काम कीजिए, तब जाके उन लोगों को समझ में आएगा कि हमारे देश सैनिक का देश का जवान का कीमत क्या है और आपके जवान की कीमत क्या है। आप आतंकवादी को दूध पिलाते हो और हमें कहते हो आंख दिखाते हो। अब पाकिस्तान की दोहरी नीति नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही आतंकी हमले के खिलाफ चेपापुल स्थित किड्जी स्कूल में बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। गुरुवार के आतंकी हमले के खिलाफ शुक्रवार को चेपापुल स्थित किड्जी प्ले स्कूल में बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। वही स्कूल की डायरेक्टर ज़ेबा खान ने कहा कि जवानों पर किया गया यह आतंकी हमला कायरता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। किड्जी स्कूल में आज हमने कल जो पुलवामा में शहीद हुए हैं हमारे वीर सैनिक, उनके आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए आज हमने 2 मिनट का मौन व्रत स्कूल में रखा और कैंडल जला के उनको श्रद्धांजलि दिया। और कल के आतंकवादी घटना की हम घोर शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं। हमें बहुत दुख है कि इस तरह की घटना हुई और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है इस दुख की घड़ी में इस घटना से संबंधित और इसके न्याय के लिए उठाए। और फिर से मैं सारे शहीदों को नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। और जमशेदपुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक ऑटो चालक है जो अपने यात्रियों को सुनसान इलाके में ले जाकर अपने साथी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे और उसके बाद उसे बीच रस्ते पर छोड़कर भाग जाते थे। पुलिस ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धटकीडी इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा बिष्टुपुर पुलिस ने एक वार्ता के दौरान किया। इस दौरान बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने कहा कि काशीम जो मानगो निवासी है वो पेशे से ऑटो चालक है और विगत वर्ष सितंबर के माह में वो अपने साथी नसीम जो कि धातकीडी निवासी है उसके साथ स्टेशन पर खड़ा था, जहां से एक मानगो के यात्री को इन्होंने स्टेशन से ऑटो पर बैठाया और साक्षी थाना क्षेत्र के पुराना कोट मोड़ के पास लाकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और चलती ऑटो से यात्री को बाहर फेंक दिया। वहीं इस घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने दोनों को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडी से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए 35,000 के कीमती मोबाइल को बरामद किया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक इन दोनों के द्वारा पूर्व में भी कई बार इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा चुका है। डीओ साहब के कोर्ट के पास जो चौक है जहां पर पुस्तक दुकान है वहां पर पहुंचने पर चलती ऑटो में एक लड़के ने जिसका नाम कल्लू है जो धतकीडी का रहने वाला है, कल्लू उर्फ वर उर्फ नसीम, उसने उनका पर्स और मोबाइल छीन लिया। पर्स में 4,000 रुपये थे, मोबाइल की कीमत 35,000 रुपये था।
ये काफी डर गए और चलती गाड़ी में ही थोड़ा सा धीमा हुआ तो ये उतर गए। दोनों पकड़े गए हैं जिसमें एक टेम्पो ड्राइवर था जिसकी माँ के नाम से ही ऑटो है और वो मानगो का रहने वाला है जिसका नाम कासिम है। और मोबाइल जो 35,000 रुपए का था वो भी बरामद कर लिया गया है। पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पैसा ये लोग खर्च कर दिए, चूंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग नशा ज्यादा करते हैं। इधर सरायकेला के गमरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों गमरिया रेलवे स्टेशन के पास साधु चरण महतो नामक युवक के हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती माना जा रहा था। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिसिया अनुसंधान में बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जहां पुलिस के अनुसंधान के क्रम में मृतक के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक के पिता ने अपने पुत्र पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे तत्काल साधु महतो की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस के सामने हत्यारे पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। स्थानीय लोगों से पहचान करवाने के बाद थाना इनकी बस्ती का अनुसंधान जो होने के बाद प्रयास में आया कि घटना के दिन मृत युवक घर में खाना मंगवा था, जिसको लेकर विवाद हुआ था और मृत युवक द्वारा चूल्हा में ला चला दिए जाने से जो मार से उसकी भाभी और भतीजी जल गई थी, जिससे छुप होकर उसके पिता। उधर जमशेदपुर के सुनारे स्थित ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फूड एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। दो दिवसीय इस प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपायुक्त अमित कुमार ने शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में ऑर्गेनिक खेती से उपजे फल और सब्जियों को दर्शाया गया है और यहां मौजूद खेती विशेषज्ञ यहां पहुंचने वाले लोगों को ऑर्गेनिक खेती के संबंध में जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अपने फिटनेस फेयर के माध्यम से सहयोग दे रही संस्था ने सेहत से जुड़ी बातें लोगों को बताई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार भी कर रही है और किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण देने हेतु विदेश भेजने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना के लिए फार्म फ्रेश की सराहना की और ऐसी योजनाओं को पूर्ण सहयोग दिलाने का आश्वासन भी दिया। भारत सरकार ने 6,000 रुपये मासिक 6,000 रुपये वार्षिक जो है वो अनुदान देने जा रही है, जो कि कृषि इनपुट के रूप में वो उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जिला स्तर पे जो है वो विभिन्न तरह की जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गाँव के लिए जो है वो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, जो कि उनसे जो है वो एक सत्यापन का पत्र लेंगे और उनके जो भूमि है उसके आधार पर सीधे भारत सरकार से जो है वो फंड सीधे जो है वो किसानों के खाते में जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अभी हम लोग डेटाबेस इसका क्रिएट कर रहे हैं और इसके माध्यम से अभी 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक यानी 3 महीने की जो टोटल राशि है वो उनके खाते में जो है वो चली जाएगी। जो इस तरह तक टारगेट है फर्स्ट यहाँ पे जैविक सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें ये मकसद है कि जो जैविक खेती से जुड़े हुए फार्मर हैं उनको एक मार्केट लिंकेज देना, क्योंकि हमारे जो कि जैसा आप झारखंड के संदर्भ में जानते हैं, झारखंड हमारा स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। जिस तरह का कि आज केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि योजना चल रही है या माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की ओफाज जो है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जिनका मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती का प्रमोशन करें और हमारे किसानों को एक बाज़ार करें जिसमें उनके एक सही मूल्य मिले। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मकसद है कि किसान की आय 2022 तक दुगनी करी जाए, उसी के मकसद से हम लोगों ने इस तरह की प्रदर्शनी लगाई है। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जमशेदपुर NIT कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कल फेस्ट 2019 का आगाज धूमधाम के साथ किया गया। जमशेदपुर NIT कॉलेज का सांस्कृतिक वार्षिक उत्सव कल फेस्ट 2019 की शुरुआत 15 फरवरी से रंगारंग कार्यक्रम के साथ कॉलेज परिसर में की गई। इस कार्यक्रम में देश भर के कई तकनीकी संस्थान से 500 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि कॉलेज के भी सैकड़ों छात्र इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। वहीं आयोजन को लेकर पूरे कॉलेज को आकर्षक तरीके से सजाया गया है।
बता दें कि इस 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जुबीन नौटियाला शामिल होंगे। इसके अलावा कोलकाता का प्रसिद्ध बैंड और कवि सम्मेलन भी कलफेस्ट का मुख्य आकर्षण रहेगा। 1982 जमशेदपुर हर बार कुछ नया करने का कोशिश करता है, ये सब एक इनोवेटिव आइडिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या आपने देखा अभी तक यहाँ पर? यहाँ पर मैंने वो बनी हुई बाइक देखे, वो गांधी जी का चरखा देखे, गांधी जी चलाते थे, मटके को बहुत अच्छे ढंग से ये किया गया, प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी शहबाज। थैंक यू। और रक्तदान जीवन दान है, ऐसे महादान में जमशेदपुर वासी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर एकत्रित रक्त को गरीब जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कदमा स्थित के फ्लैट में कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय भागीरथ प्रसाद के 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। वह इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन कर हम अपने स्वर्गीय पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस महादान में हर वर्ष 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसे हम रेड क्रॉस के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुँचाते हैं। वही इस वर्ष भी 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहाँ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज जो हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग रक्तदान हर साल शिविर लगाते हैं, ये 7वां साल है, और जमशेदपुर वासी रक्तदान के मामले में बहुत ही सजग और जागरूक हैं। रक्तदान हम लोगों की करीब 300 यूनिट की लक्ष्य है, और हम लोग लगभग हर साल 200, 300, 100, 300 के लगभग रक्त संग्रह करके ये रक्त हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी को देते हैं, क्योंकि वो रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब और जो भी जरूरतमंद लोगों को निस्वार्थ सेवा करती है, इसलिए हम लोग इस रक्त को रेड क्रॉस सोसाइटी को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलको स्थित रिक्रिएशन क्लब में मुस्कान संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां संस्था के कई सदस्यों ने महादान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं इस संदर्भ में मुस्कान संस्था के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि शहर में रक्त की कमी को देखते हुए पिछले 4 वर्षों से संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां एकत्रित रक्त हम गरीब और जरूरतमंद लोगों तक निशुल्क पहुंचाते हैं। मोबाइल नहीं चल रहे, हाथ रखे दवा के। किस संस्था की ओर से आज ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया? ये मुस्कान संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये 4था दफ़ा हम लोग रक्तदान शिविर आयोजन कर रहे हैं, और ये पिछले दफ़ा की तरह ये काफ़ी उम्मीद है कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। रक्त का हमारे समाज में जो बीमार लोग हैं उनको बहुत कमी रहता है, और इस तरह का आयोजन शिविर का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो बीमार लोग हैं उनको सही समय पर उचित समय पर रक्त मिले। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी।
खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में, एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पंचायत भवन में प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित कर्मचारियों को योजना से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत ग्रामीण किसानों को सरकार के तरफ से 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जानी है, जिसे लेकर पूर्व में नोटिस तामला करवाई गई थी, जिसे लेकर ग्राम प्रभारी, पंचायत प्रभारी व नोडल पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई और उन्हें नोटिस एकत्रित कर पोर्टल में जल्द से जल्द एंट्री करने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा लाभुकों की स्क्रूटनी कर शत प्रतिशत जायजा किसानों की एंट्री पोर्टल में हो सके और उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत राशि प्रदान की जा सके। जहां जिले के अंचल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि 6,000 रुपए की राशि साल में 3 किस्तों में दी जानी है, जहां विभिन्न प्रखंड के लिए एक वरीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इधर जमशेदपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय के सम्मान योजना के लिए परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार कर्मचारियों को कार्य करना है। प्रधानमंत्री सम्मान योजना में जो भी किसान योग्य लाभुक हैं उनका पोर्टल में एंट्री करना है। इसके लिए जो भी ग्राम प्रभारी हैं, पंचायत प्रभारी और जो भी नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके निर्देश दिया गया है कि जो भी नोटिस पूर्व में तामीला कराए गए हैं प्रत्येक ग्राम को, वहां से नोटिस को कलेक्ट करके ऑफिस में लाना है और उसका स्क्रूटनी कर्मचारी करेंगे और इसको शत प्रतिशत जो भी योग्य लाभुक हैं उनका एंट्री पोर्टल में कराना सुनिश्चित। 6,000 रुपया है, इसमें प्रथम किस्त के रूप में 2,000 रुपया का भुगतान प्रत्येक प्रखंड के लिए जिला से वरीय पदाधिकारी हैं, यहाँ के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी जो आए थे। इधर जमशेदपुर में शहीद बाबा दीप सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर महान कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ अखंड पाठ के साथ साथ संगत के बीच में लंगर का वितरण भी किया जाएगा। टेलको स्थित जमको गुरुद्वारा परिसर में गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा 23 एवं 24 फरवरी को महाकीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब से कई धर्मगुरु कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में जमको गुरुद्वारा के प्रधान सरबजीत सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों से शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहादत दिवस के अवसर पर महान कीर्तन समागम का आयोजन गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा किया जाता है, जहाँ हम 2 दिनों तक कीर्तन दरबार के माध्यम से संगत को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं और कमेटी द्वारा लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों संगत शामिल होते हैं। वहीं इस वर्ष अमृतसर से कई धर्म कथावाचक आ रहे हैं, जो अपनी वाणी से संगत को अवगत कराएंगे। हम लोग जमको मैदान में बड़ी ही श्रद्धा भावना से मना रहे हैं
जिसमें सिख नौजवान सभा आजाद बस्ती जमको, साथ ही साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, साथ ही साथ स्त्री सत्संग सभा और पूरे जमशेदपुर की समूह साथ संगत के सहयोग से इसको मनाया जा रहा है श्रद्धा पूर्वक। इसमें 23 और 24 फरवरी को दोनों दिन ही सवेरे गुरबाणी का श्रवण होगा और साथ ही साथ गुरु का अटूट लंगर भी वितरण किया जाएगा। इसमें 23 तारीख को और 24 तारीख को हरमंदिर साहब अमृतसर से भाई साहब सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी आ रहे हैं। उधर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष झामुमो प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के 55 पंचायतों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया और इन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। बता दें कि ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर के समस्याओं को अंचलाधिकारी के समक्ष रखकर उनके समाधान की मांग की जानी थी। धरने के दौरान झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि कुल 55 पंचायतों की समस्याओं को लेकर यहां धरना दिया गया है। वहीं इन इलाकों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, लाल कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याएं हैं जिनके समाधान की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से की गई है। इन्होंने यह भी कहा कि 15 दिनों के भीतर इन समस्याओं को दूर किया जाए, अन्यथा झामुमो आगे उग्र आंदोलन करेगी। जमशेदपुर प्रखंड के 55 पंचायतों के विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ के प्रखंड सांचल पदाधिकारी को हम लोग समस्या का पुलिंदा सौंपेंगे और इनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि जो भी हमारी समस्या, इस समस्या को 15 दिनों के अंदर निदान करें, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये प्रखंड कमेटी का ये पहला धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी जितने भी समस्या है उस समस्या पर गंभीरता पूर्वक, जैसे लाल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, छात्र छात्राओं का इनकम, जाति प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन, जमीन रजिस्ट्री और कई ऐसे सरकारी सुविधा जो है, इन सुविधाओं का हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं। और झारखंड आंदोलनकारी मंच के प्रयास से पूर्वी सिंहभूम जिले के 12 आंदोलनकारियों की पेंशन स्वीकृत की गई है। झारखंड आंदोलनकारी मंच के जिला संयोजक संजय लकड़ा ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारियों के आपदा प्रबंधन ने जिला प्रशासन को 6 सूची उपलब्ध करा दी है जिसमें धालभूमगढ़ प्रखंड के 10 और डुमुरिया प्रखंड के 2 आंदोलनकारियों के नाम शामिल है जिन्हें मासिक 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा। 24 ऐसे आंदोलनकारी साथी है जो पेंशनधारी हो गए। इस तरह से झारखंड में देखा जाए तो हम जिला के सभी आंदोलनकारी कितने दिन के लड़ाई के बाद ये आप लोग को सफलता मिली है? बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिला में 11 प्रखंड में एक ऐसा प्रखंड है जिसके आज 10 ऐसे आंदोलनकारी साथी है जो। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 में पथ निर्माण कार्य शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय वार्ड पार्षद नीतू शर्मा मौजूद रहे। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 17 के न्यू हाउसिंग कॉलोनी में नारद भवन के निकट पेवर्स ब्लॉक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास संपन्न कराया गया। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद नीतू शर्मा के हाथों योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित योजना की स्वीकृति कई दिनों पूर्व ही मिल गई थी जिसके बाद यहां लोगों के विशेष मांग पर पथ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही इन्होंने स्थानीय लोगों के प्रति आभार भी जताया है। जी जी सब कर रहे हैं। जी जी दोनों हो रहा है। मिठाई खाते हुए ठीक है। खाइए खाइए। किंडर जो आई प्ले स्कूल के पास थोड़ी दूर अगल बगल तो बनी हुई रोड, लेकिन थोड़ी दूर जो नहीं बनी हुई थी इसके कारण रोड की खूबसूरत काफ़ी बेकार लग रही थी, सही तरीके से नहीं लग रही थी। और इस योजना में 10 लाख की योजना में लागत में जो पारित किया गया है उसमें ये भी रोड पारित हुई है और बहुत खुशी की बात है कि स्थानीय लोगों की मेहनत से यहाँ पर इस ये रोड बनने पर आया है और सार्वजनिक रोड है। चूँकि मेरा मकसद है कि हमारे वार्ड का हर एक कोना जो खाली बचा हुआ है, जो काम नहीं हुई है, वो सही तरीके से हो जाए और इसके लिए बधाई के पात्र हमारे वार्ड के लोग जो हमें हमेशा प्रोत्साहन करते रहते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत बिंदापुर गांव में बीते 7 फरवरी को सामाजिक कार्यकर्ता राज बारदा के हत्या मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने शांति मार्च निकाला।
सामाजिक कार्यकर्ता राज बारदा के हत्या मामले में परिजनों को न्याय दिलाने और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने शांति मार्च निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि इस गांव में अक्सर आपराधिक घटनाएं होती हैं तथा यहां अवैध शराब का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई कर लोगों को शांति व सुरक्षित माहौल दे। साथ ही राज बारदा की हत्या में शामिल 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लोगों ने जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय परिसर में जाकर अपनी मांगों को लेकर जमकर आवाज बुलंद किया। हत्याकांड से उस क्षेत्र के लोग मर्माहत है, दुखी है और राज बारदा को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसी के लिए एसपी सरायकेला खरसावा को ज्ञापन दिया जाएगा, राज्य सरकार से मांग किया जाएगा। वो क्षेत्र सरायकेला जिला का एकदम अंतिम छोर में है और वो अपराधियों का सरनगाह बना हुआ है। वहाँ अवैध शराब का कुटीर उद्योग पनप चुका है, प्रशासन को मालूम है, लेकिन और इसके साथ में कई और हत्याएं हो चुकी है। इसलिए लोगों का मांग है, जनता का मांग है कि प्रशासन जागे और उस क्षेत्र में अपराधियों को खत्म करे और राज बारदा के परिवार को न्याय दिलाए, राज बारदा के हत्यारों को फांस। इधर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटानगर रेलवे स्टेशन में सीनियर डीसीएम भास्कर से मुलाकात कर उन्हें सिदिर साई हॉल्ट निर्माण के लिए 16,59,025 रुपए का चेक प्रदान किया। हल्दी पोखर से बहलदा के बीच सिदिर साई हॉल्ट निर्माण के लिए पिछले 30 सालों से स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने सांसद निधि से सीनियर डीसीएम भास्कर को चेक प्रदान किया। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि 30 साल से ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए उनकी मांग को पूरा करने का कार्य किया गया है। साथ ही उन्होंने टाटानगर स्टेशन के बाहर शौचालय बनाने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया और कहा कि बहुत जल्द टाटानगर स्टेशन के बाहर आउटगेट के पास शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए रेल प्रबंधन को निर्माण में खर्च का ब्यौरा देने को कहा गया है। जल्द ही सांसद मद से शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये लगभग 30 साल से डिमांड था सिदिर साय, ठीक है, सिदिर साय। पिछले दिन हम जीएम से मिले थे और लगातार 10 बार मिलने के बाद जो है डीसीएम डीआरएम से बात होने के बाद सिदिर साय का मैंने हल्दी पोखर से मोहल्दा, उड़ीसा मोहल्दा है, हल्दी पोखर झारखंड में, इसका बीच में जो है एक गैप है 30 किलोमीटर, तो इसी का बीच में ये हॉल्ट का था, अभी सेंक्शन हुआ है, तो जिसका लगभग 16,64,000 के आसपास रेल का चेक हम सीनियर डीसीएम को दिए। उधर जमशेदपुर में इंडियन प्रीमियर फुटबॉल लीग के तहत 16 फरवरी को जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और पुणे फुटबॉल क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाना है। पहले से दोनों ही टीमों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैदान में जमकर पसीना बहाया, जहां दोनों ही टीम के कोच खिलाड़ियों को टिप्स देते नजर आ रहे थे। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, जहां जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टॉप 4 में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए हर मैच जीतना चाह रही है। जहां जमशेदपुर एफसी 23 अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है, वहीं पुणे एफसी 15 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं इस रोमांचक मुकाबले में जमशेदपुर एफसी मैच जीतकर टॉप 4 में अपनी जगह को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों ने मैच से एक दिन पहले जमकर पसीना बहाया, जहां टीम के कोच खिलाड़ियों को मैच के नए टिप्स देते नजर आ रहे थे। वहीं पुणे के खिलाड़ी भी अभ्यास के दौरान मैदान में डटे नजर आ रहे थे और अपने कोच के दिशा निर्देश पर जमकर पसीना बहा रहे थे। बता दें कि यह रोमांचक मुकाबला 16 फरवरी को जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगी।
और वहीं चाईबासा जिले में स्थित टाटा कॉलेज में पिछले दिनों हुए छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने कॉपरेटिव कॉलेज में प्रदर्शन किया, साथ ही उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। ज्ञात हो कि इस घटना के दोषियों को अब तक सजा नहीं हुई है और इसी के खिलाफ इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि कॉलेज में सभी निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं और इस शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करते हुए अपराधियों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है जिसे बख्शा नहीं जा सकता। साथ ही इन्होंने मांग की है कि अविलंब इस घटना के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इंसाफ हमारा हक हमारा, इंसाफ हमारा हक हमारा, इंसाफ हमारा हक हमारा, इंसाफ हमारा हक हमारा, हमको देना होगा, इंसाफ हमारा हमको देना होगा। फरवरी को टाटा कॉलेज पीजी डिपार्टमेंट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है जिस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, न ही दोषियों को दंड दिया गया है। आज हम लोग, पहले हम लोगों ने मौन रखा था जो हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उनके लिए, उसके बाद हम लोगों ने उस छात्रा के लिए, हमारे मित्र के लिए, एक महिला के लिए जो दुष्कर्म हुआ उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ कॉलेज में तालाबंदी की। तो हम मांग करते हैं कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए ताकि आने वाले समय में हम सभी की माँ बहनें बेटी दोस्त सब सुरक्षित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में कई स्थानों पर हुआ विरोध प्रदर्शन, जलाए गए पाकिस्तानी पीएम के पुतले। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने यात्रियों को लूटने वाले दो ऑटो चालकों को किया गिरफ्तार। गम्हरिया पुलिस ने पुत्र की हत्या करने वाले पिता को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और जमशेदपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ फिटनेस फेयर, डीसी ने किया उद्घाटन। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।